every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. POK, which is a part of India, returns to India. क्या बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है? विदेश मंत्री का सबसे बड़ा बयान। विदेश मंत्री के बयान से हिल गया पाकिस्तान। पीओके भारत का था और भारत का ही रहेगा। भारत पाकिस्तान से पीओके वापस लेगा। भारत के विदेश मंत्री का ये ऐसा बयान है जिसे हर हिंदुस्तानी सुनना चाहता था। देश की 140 करोड़ जनता ये चाहती है कि कश्मीर का हिस्सा वापस कश्मीर को मिले और पीओके भारत में मिल जाए। अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत में मिल सकता है। ये संभव होगा कैसे? इस पर विदेश मंत्री की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उनका ये बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तेज विरोध के बीच आया है। ऐसे जयशंकर ने कहा कि एक दिन हम पीओके और पीओके के अवैध कब्जे को खत्म कर देंगे और ये पीओके पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपने वहां कुछ घटनाएं होती देखी होंगी। हम बेहद स्पष्ट हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। ये भारत का हिस्सा है, यह हमेशा भारत का हिस्सा था, यह भारत का हिस्सा रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक सेमिनार में मीडिया के सवाल पर दिया। देखिए क्या कुछ कहा विदेश मंत्री ने। लुक, फॉरगेट यू नो, आई विल कम टू पीओके फ्रॉम अ टेक इवन 370 पीपल जस्ट अज्यूम 370 कैन नॉट बी चेंज एंड दैट यू नो दिस इज समथिंग वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. It is when we did, when we have done, you know, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, you know, POK is also important. So what has happened today is, because we have, you know, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people, today, the POK issue has come to the front of their thinking. And you know, as they say, before the first prerequisite for something happening is first it must be in your thoughts. Once it is in your thoughts, the rest will certainly happen at some point. बलूचिस्तान में झेल रहे विरोध के बाद पाकिस्तान के लिए ये बयान बेहद खलबली वाला है और पाकिस्तान के सियासी हलकों में भी इसे लेकर हलचल बढ़ गई है।